तो पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासत भी हो रही है और दूसरी तरफ आस्था के तहत लाखों लोग उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंच भी रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच गए हैं मंच पर। वहां से प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, हम सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रशांत, इस वक्त क्या चल रहा है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, यहाँ पर अभी बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पहले उन्होंने भजन किया है और भजन के बाद देख लीजिए कि उन्होंने कैसे बिहार के पागलों से बात करनी शुरू की है। ये तमाम भीड़ है, लगभग 6 लाख लोगों की भीड़ है आज, और इस भीड़ के सीधे बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अपने दर्शकों को दिखा भी रहा हूँ कि देखिए भीड़ की हालात क्या है, और मंच पर खुद बैठे हुए हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने सीधे लोगों से कहा है, सुन लीजिए कि वो कह रहे हैं कि क्या वो अपने संस्कार टीवी और बागेश्वर धाम की अभी बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ बात बात पे अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी अंदर आने के लिए अड़े हैं, फिर भी बालाजी की कृपा पाने के लिए दरबार में पड़े हैं। धन्य है आप लोग जो जो जहां खड़े हैं, अड़े हैं, बैठे हैं। कुछ कुल्फी खा रहे, कुछ फुल्की खा रहे, कुछ चाय के चटकारे, चाट पकौड़ी के चटकारे ले रहे, और कान में हो कथा सुनत जा रहे। हाँ, बहुत अच्छी कथा है। तो जो जो जहां संगीत इस साउंड सर्विस के माध्यम से कथा श्रवण कर पा रहे, देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल और बागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल से जो जो कथा सुन रहे, भगवान श्री सीताराम मैं मानकर आपको गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की इस पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोड़ी जुग पारी कराऊं सीताराम कही जानी विधि राखे तानी विधि रही। सीताराम सीताराम कही जही विधि राखे रउआ कैसन बानी ठीक बा हो। हम हूं नहीं खे ठीक बा भैया। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, भगवान की बड़ी कृपा है कि 4 दिन से निर्विघ्न हनुमंत कथा की धारा बिहार में बहार की भांति बह रही है। कितनी कृपा भगवान की, लाखों लोग श्री हनुमंत चरित्र के भाव से अपने जीवन को धन्याश्रित बना रहे। हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह दें, बिहार के पागलों एक बात याद रखना, जीवन जीना सीखना है तो हनुमान की कथा सुनना बहुत जरूरी है। हमसे कल एक महोदय कह रहे थे कि आपने बिहार में हनुमान की कथा ही क्यों चुनी, क्या कारण है। हमने उन्हें बड़ी विनम्रता पूर्वक बताया, हमने कहा माय डियर ठटरी के बारे हमने इसलिए चुनी कि बिहार के लोग
दो इष्ट को बहुत मानते, गांव में एक तो काली दाई को और दूसरा श्री हनुमान जी महाराज को।